Assalamu alaikum, I'm Hussain and welcome to my YouTube channel Education Made Simple. आज की वीडियो में दोस्तों हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें बिगिनर्स को, मिड लेवल स्टूडेंट्स को और इवन एडवांस लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है, दैट इज प्रोनंसिएशन. इस वीडियो क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे चीजें हमें कवर करनी है, को हम दो पार्ट में बनाएंगे. तो आज के पहले पार्ट में हम कुछ मेन जो चीजें एडवांस में आपको शायद मालूम भी हो, कुछ को नहीं मालूम हो, और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके प्रोनंसिएशन से रिलेटेड कई सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सी, द वर्ड सी. सी वर्ड जो है दोस्तों वो स्टार्टिंग में जब यूज होता है वर्ड किसी भी वर्ड के, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है. कहीं पे क का साउंड देता है, कहीं पे स का साउंड देता है. हमें कैसे पता लगे कि कहां पे सी को हमें का पढ़ना है और कहां पे सा पढ़ना है? वेरी इजी. अगर सी के बाद जो वॉवल्स आ रहे हैं वो आय या ई हैं, सी के बाद जो वॉवल्स यूज हो रहे हैं अगर वो आय या ई हैं तो सी स साउंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, फॉर एग्जाम्पल सर्टन, फॉर एग्जाम्पल आपका सिटी, सिविल. तो अगर आय या ई है तो स साउंड करेगा, वो किविल किमेंट नहीं होता. सिमिलरली अगर ओ ए या यू है तो क साउंड करेगा. कैट होता है, सेट नहीं होता. कपल होता है, सपल नहीं होता. समझ में आया? अगर आई या ई है स्टार्टिंग में तो स साउंड करेंगे, अगर ए ओ या यू है तो क साउंड करेंगे. चलिए लेट्स मूव ऑन. टी आई, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि इसे, जैसे कि वर्ड है ए वाला हो गया, कई लोग इसे प्रोनंसिएट पढ़ेंगे, प्रोनंसिएटियन पढ़ेंगे, विच इज रॉन्ग. दिस इज प्रोनंसिएशन. टी आई जब एक साथ होता है मिड में, टी आई जब मिड में एक साथ होता है तो वो श साउंड करता है. प्रोनंसिएशन, सिचुएशन, कोलैबोरेशन, इनविटेशन. तो इसमें टी आई जब एक साथ होगा तो वो श साउंड करेगा. क्लियर? नाउ यू जी एच, कफ, COUGH. अच्छा, इससे आपको स्पेलिंग में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. कफ, रफ, कफ, रफ, टफ. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में UGH आ रहा है वो फर्स्ट साउंड करते हैं. जैसे हम कॉग या फग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ओके? रग, नो. इट इज कफ, रफ, टफ एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज PS. ये इंपॉर्टेंट है. जो जैसे कि वर्ड होता है साइकोलॉजी, वर्ड होता है साइकी, साइकी मतलब किसी की जहनियत. साइकोलॉजी वर्ड होता है साइकोलॉजिकल, वर्ड होता है इसी तरह से कई सारे वर्ड हैं. तो उनमें जिनमें पी और एस स्टार्टिंग में आता है तो उसमें ध्यान रखिएगा कि पी जो है ऐसे वर्ड्स में, पी जब भी एस के साथ आता है स्टार्टिंग में तो वो हमेशा स्टार्टिंग में, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब भी एस के साथ आता है तो साइलेंट रहता है, पी साइलेंट रहेगा, ओके? अच्छा, ये जो मिड लेवल और एडवांस लर्नर्स हैं उन्हें ये चीज ऑलरेडी पता है. ये वाला पॉइंट सिर्फ बिगिनर्स के लिए है कि के और एन जब किसी सेंटेंस के शुरू में होता है, फॉर एग्जांपल के एन ओ डब्ल्यू, दैट इज नो, नॉट कनो. फॉर एग्जांपल के एन आई एफ ई, दैट इज नाइफ, नॉट कनाइफ. फॉर एग्जांपल के एन आई जी एच टी, That is night, not knight. तो K और N जब भी स्टार्टिंग में होता है तो उसमें हमारा K साइलेंट होता है और बाकी वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं. सो मूविंग ऑन. अब ऐसे वर्ड्स जिनमें M और B आ रहा हो लास्ट में, ऐसे केस में हमारा B साइलेंट होता है. फॉर example, climb, that is not climb, that is climb. फॉर example, comb, comb नहीं होता, comb होता है. फॉर example, bomb, that is B-O-M-B, bomb, not bomb. B ऐसे केस में साइलेंट रहता है. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. नाउ ऐसे वर्ड्स जिनमें लास्ट में B-T आ रहा हो, जैसे कि हमारा वर्ड होता है एक डेट, D-E-B-T, डेट. तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, डाउट, D-O-U-B-T, डाउट. तो ऐसे वर्ड्स में हमारा T जो है B साइलेंट रहता है, टी हम प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
डेट डी ई बी टी, इसमें हम बी प्रोनाउंस नहीं करेंगे. डाउट डी ओ यू बी टी, इसमें भी हम बी प्रोनाउंस नहीं करते, टी प्रोनाउंस होता है, बी साइलेंट रहता है. क्लियर. नेक्स्ट इज डी जी, ऐसे वर्ड्स जिसमें बीच में डी जी आ रहा हो. फॉर एग्जाम्पल जज, जे यू डी जी ई, जज. जज मतलब किसी चीज को जज करना या जो कोर्ट में जज होते हैं वो. देन ग्रज, ग्रज मीन्स किसी से आपको गिला रखना, किसी से गिला रखना, किसी से आपको प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो ग्रज है, आपके दिल में किसी से शिकायत है, दैट इज ग्रज, जी आर यू डी जी ई. जज, ग्रज. देन मेनी वर्ड्स आ देयर इसके तरह के जिसमें हमारा डी और जी होते हैं और इसमें डी हमारा साइलेंट होता है, जी पढ़ा जाता है. जैसे हमारा जज है, जी यू डी जी ई, इसमें हम डी नहीं पढ़ेंगे, जज. ग्रज है जैसे कि हमारा वर्ड. डॉज है, डॉज मतलब बच के निकलना, डी ओ डी जी ई, तो इसमें हमारा डी साइलेंट रहता है. क्लियर. नेक्स्ट इज, ये अगेन बिगिनर के लिए है, जो बिगिनर लेवल पर स्टूडेंट्स है उनके लिए है. एल के जब होता है लास्ट में तो उसमें हमारा एल साइलेंट होता है, दैट इज वॉक नॉट वाल्क, दैट इज टॉक टी एल के नॉट टाल्क, दैट इज चौक सी एच ए एल के नॉट चाल्क. क्लियर. नेक्स्ट इज एस सी, जब किसी वर्ड के बीच में एस सी आ रहा हो, एज इन मसल एम यू एस सी एल ई, एज इन मिसलिनियस, एज इन सेंट, एज इन डिसेंट, तो ऐसे वर्ड में हमारा एस सी में सी साइलेंट रहता है, हम सिर्फ एस प्रोनाउन करते हैं. ओके. नाउ लास्ट इज जी एन, फॉर एग्जाम्पल अलाइन, किसी चीज को लाइन में लाना, फॉर एग्जाम्पल साइन, कुछ साइन करना, फॉर एग्जाम्पल बिनाइन, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इसमें जी हमारा साइलेंट रहता है और एन हम पढ़ते हैं. ओके. आज के लिए आई होप आपको टॉपिक समझ में आए हो. बाकी हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बाकी के टॉपिक्स क्लियर करेंगे. किसी को कोई डाउट रह गया हो प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकता है. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें. थैंक यू सो मच.